रात भर तुम्हें पाएं दबाती है दैया स्वामी पिया। कहिए मैं एक बात कहूं। एक नहीं दो कहूं पिया। हाँ मेरी बात सुनो। बोलो। आज हमें कुछ चक्कर जान पड़ते हैं और देखो माता ध्यान रखना कि पत्नी रोज चाहे अपने पिया से गुस्सा हो लेकिन एक दिन ऐसो बात हुआ कि बाद दिन कभी गुस्सा नहीं हुई। कौन सा दिन बताए दे लल्ला कौन सा दिन हो तू। अबे दीपावली के 10-11 दिन पहले आओ तो मैं बताऊं। हां चाहे बोरा महिला मेरे बचीफा आइयो तुम्हें मालूम ना है तो अब पूछते काय करा। मैं बताऊं। अच्छा हां मोते पूछ रहे तुम्हारी घरवाली तो आती उपास ही करवा चाहो तो तू सही कह रहे हम। हाँ सही बात है माता। बहुत बड़ा त्योहार है करवा चौथ को दिन कोई मैं यानी कि एक खासियत होते है अगर पड़ोसी व्रत है ना उपासी हम तो कछु कछु भैया वैसे बोल जाते तो देखिए कही जी तू उपासी है। ए जीजी तेरे तेरे भी कितने की साड़ी ले आए चुप्पा रहो करो तो को पता ही ना 2000 रुपया के लिए आई आंदे उन्हें उन पप्पू के पापा को मैं लड़ूंगी जाके तो बेऊ लड़न लगी मैंने उन्हें साड़ी मंगाए ली। और माता बहनो मैं सही बता रहे हमें तो इनके गांव के बगल ही के दूर के ना गांव ही के मान लो जेना ले आए साड़ी अपनी घरवाली को इनकी घरवाली ने उठाओ चिमटा। हाँ वही खाना बनाते बालो मसक के दो मारे पीठ में हमने कहा एक साड़ी लेन जा रहे बीचू को ठीक है बोलो के बंद होगा कीजिए ओका प्यार उस सफेद झूठी कह रहा हूँ बस मैं सफेद झूठी कहते ही ना कहे तू बदनामी कर रहा हूँ या बदनामी कहे ना कभी सुना ना आती घर की बातें घर में अच्छी देती है सुनन नहीं लला सवेरे अगर नेट पर देख लई तो तू घरे हूँ ना यहाँ पे स्वामी। हाँ तुम मेरी बात सुनो ना। हाँ मेरे पिया मेरी बात सुनो। आते कितनी के लग रही तुम दाढ़ी सेट कराया आज तो स्वामी आज मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कैसी कि मैं कहूँ जंगल में सैर करके आऊं रानी अब मेरा 10 रुपया का वजीफा आएगा भगवान तुम्हें तो दे लला हुआ है। देखो मेरी बात सुनो। हाँ अरे तुम्हारे जंगल में घूमने को मन है तो जा मैं तेरा छरे कहीं पकड़ आए रही हूँ चली जा पिया। हाँ मैं घूंघट और खुल जात का कर स्वामी। हाँ मेरी बात सुनो मैं जाके मार के रही थी हो सके तुम ना भेजो बबर रेखा कहने लगी महाराज जी गुस्से से महाराज मेरी बात सुनो कि मेरे अंगना में मेरो अंगना में बने नहीं लग रहो है कहूं दुनिया के मेरो बबर रेखा बोलिए महाराज मेरो अंगना में बने नहीं लग रहो है कहूं दुनिया के मेरे श्रोता बंधुओं आज पवन रेखा कहने लगी महाराज यदि तुम्हारी इच्छा हो तो क्या हम सखियों के साथ में जंगल में भ्रमण करें।
उग्रसेन कहने लगे चली जाओ, साथ में दो चार सखियों को भी ले जाओ। ध्यान रखना माताओं, इस सतयुग त्रेता द्वापर में हमारी माताएं अपने पिया से आज्ञा लेती थी लल्ला, लेकिन लल्ला जब से जू कर लियोग चल बहो, आज करे तो आज्ञा देती है, आज करे आज्ञा लेती नहीं है, आज्ञा देती है। अब जब तक तुम ही समझो, हम ऐसे समझे लल्ला। हाँ माओ तो खैर भाई जीजा बहु ना है, नाव तो है लज्जा बती और सैप ही चौरा पे बैठ के समोसा खा रही है। आज्ञा देती है लल्ला लेती नहीं है, लेकिन आज पवन रेखा ने साथ में दो चार सखियों को लिया है, गई है जंगल में, लेकिन लल्ला जैसे जंगल में घुसी उसी समय जैसे ही जंगल में घुसी लल्ला उसी समय हुआ क्या है, एकदम से आधी तूफान बिजली बादल गरजने लगी है। हाय हाय, अरे जंगल को देख के रूप रे और रथ में से जानी पूरी, एकदम से आज तूफान बिजली बादल गरजने लगी, महारानी पवन रेखा बा जंगल बियाबान जंगल में घुसी है, आंधी तूफान बिजली गरजने लगी है, उसी समय जो साथ में सखियां थी वो बिछुड़ गई, और जैसे ही लल्ला बिछुड़ी है उसी समय उसी बियाबान जंगल में प्रमाणीय मिला है कि दुर्मिलक नाम का राक्षस प्रकट हो गया है। जैसे ही दुर्मिलक नाम का राक्षस प्रकट हुआ है, लेकिन महाराज उग्रसेन के रूप में आया है, उग्रसेन के रूप में आकर के एकदम हंसने लगा है। पवन रेखा ने जैसे पीछे देखो है, कौन? देखा तो उनके महाराज उग्रसेन के रूप में वही दुर्मिलक नाम का राक्षस खड़ा है, कहने लगा है, अरे प्यारी महाराज, हाँ तुम प्यारे तुम्हें तो हम अभी मथुरा नगरिया में छोड़ के आए। हाँ तुम मुझे छोड़ के आई तो थे, फिर लेकिन जब मैं महलों में था तो मुझे तो ये लगा कि ये इस महल की दीवाली मुझे खाने के लिए दौड़ रही है, तो मुझे घर पे अच्छा नहीं लगा, तो इसकी वजह से मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। देखो कैसी बातें कर रहे हैं, पीछे पीछे चले, मैं सच कह रहा हूँ, घर नहीं रहोगे, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा ही नहीं लगा, कहते ही तुम्हारी कसम, सही कह रहे हम, हम पे पूछो तुम इनता कहीं तब तक हम पे का पीती करे, हम चुपचाप पीछे पीछे चले आए, हम ना रह पाए तुम्हारे बिना, हम ना रह पाए,
हम तुम्हारे संग ही रहे हैं महाराज। हाँ कहाँ जा रहे हो प्यारी? मैं तो तुम्हारे पास में आए हैं। क्यों प्यारी? हाँ आज मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं तुम्हारे साथ में कोई सेवा करूं महाराज।